दो रूसी जोड़ों को हिंदू परंपराएं और रीति रिवाज इस कदर भाई की वेसी के मुताबिक शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम में शादी के बंधन में बंध गए। विवाह समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रूसी जोड़ों ने पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे लिए। प्रतिवर्ष यहाँ ध्यान साधना सत्र चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में रूस से लोग आते हैं और यहाँ ध्यान सीखते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान से मंत्र दीक्षा भी लेते हैं और इनका नामकरण भी हम लोग करते हैं। उसी क्रम में आज इन्होंने दो जोड़ों ने भारतीय परंपरा से शादी करने का संकल्प किया, तो आज वैदिक परंपरा से उनकी शादी करवाई गई है। शादी में आए मेहमानों ने बताया कि दूल्हा दुल्हन भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हिंदू परंपराओं के मुताबिक एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। उन लोगों के मन में ये इच्छा थी कि साथ साथ जन्म तक साथ रहे, क्योंकि उन लोगों ने सुना है कि जो भारतीय मैरिज है, विवाह है, वो बहुत ये रिश्ता बहुत पक्का है और एक जन्म तक नहीं सात जन्म तक है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा साथ में रहे, इसलिए इंडियन मैरिज से ये विवाह करें। The Russian couple inspired by Indian culture, so that's why they decided to marry here. And also they've been married already 20 years and they have three children and they already check them relationships and they 100% sure that they will be together for the end of them life. दूल्हा दुल्हन पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने हुए थे। विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के दोस्त भी शामिल हुए। उन्होंने शादी के वेन्यू पर नाच गाकर जश्न मनाया।